नमस्कार, लाइफटाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और समय मौजूद है शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे। तो आपको बता दें कि कई दिनों से मौसम पूरे देश का काफ़ी गर्म था। अगर बात करें राजधानी में भी जो है गर्मी काफ़ी पड़ गई थी। 27 पॉइंट तक जो है यहाँ का टेम्परेचर पहुँच गया था और सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऊना में 42 पॉइंट तक जो है टेम्परेचर पहुंच गया था। तो आज जो है मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। हालांकि राजधानी में सुबह से बादल छाए हुए थे पर अब जो है हल्की जो है बूंदाबांदी यहां पर शुरू हो चुकी है, जिस कारण जो है यहां का मौसम थोड़ा ठंडा भी यहां पर हो चुका है और यहां का मौसम भी काफ़ी सुहाना हो चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब हल्की बूंदाबांदी जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। शिमला की अगर बात करें, राजधानी की हम बात करें, और जिस तरह से लोग यहाँ पर गर्मी से राहत लेने के लिए हिमाचल प्रदेश यानी कि पहाड़ों का रुख करते हैं, तो आज उन्हें काफ़ी राहत यहाँ पर मिल रही होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और जो बारिश का जो दौर है वो अब शुरू हो चुका है, और मौसम विभाग के अनुसार दो दिन तक इसी तरह का जो मौसम बने रहने की जो है बात की जा रही है। और आज जो इसका असर इनकी हम कह सकते हैं कि सुबह से जो है आज मौसम अच्छा बना हुआ था, बादल यहाँ पर छाए हुए थे, पर अब शाम के समय की अगर हम बात करें लगभग 4:30 होने वाले हैं और 4:30 बजे जो है अब हल्की जो बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है। तो काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का लाइव टीवी में स्वागत है। और आप कहाँ से जुड़े हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं, और वहाँ पे क्या मौसम इस समय बना हुआ है, क्या वहाँ पे भी कोई बारिश यहाँ पर हो रही है, तो ये तमाम सारी जो जानकारी है आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो करतार सिंह जी, जय श्री राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपूत जी जुड़े हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि बारिश होगी नहीं वैसे ही, पर यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। अगर आप कहाँ से हैं राजपूत जी आप बता सकते हैं, और बारिश के बीच में आप देख रहे हैं आइसक्रीम का मजा भी यहाँ पर लोग ले रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऐतिहासिक रिज मैदान की है। और विक्रांत चौहान जी भी जुड़ चुके हैं कोटखाई से, तो कोटखाई में किस तरह का मौसम है आप बता सकते हैं विक्रांत जी? पर शिमला में जो है हल्की बूंदाबांदी अभी शुरू हुई है और मौसम विभाग के अनुसार जो है दो दिन मौसम खराब रहने की जो है बात यहां पर की जा रही है, और ऐसे में शिमला में इसका दिख रहा है असर यहाँ पर दिख रहा है और हल्की बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हेमराज जी, अत्री जी, गुड इवनिंग जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। सपना जी, और आप सुन्नी से हैं और आप कह रहे हैं कि मौसम काफ़ी ख़राब है और बहुत बारिश हो रही है वहाँ पर, तो शिमला में अभी थोड़ी हल्की बारिश यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बता दें अमन धर्मपुर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और राजपूत जी दालाघाट से हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या दालाघाट में बारिश हो रही है तो आप बता सकते हैं, धर्मपुर मौसम बना है आप बता सकते हैं, और हम शिमला की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और जिस तरह से टूरिस्ट खास तौर पर यहाँ पर आते हैं, आप देख रहे हैं कि घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, और इस तरह का जो मौसम है इसी मौसम के चलते इसी मौसम के जो दीवाने लोग होते हैं तभी पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। तो आपने कमेंट्स आप लगातार दे सकते हैं। प्रेमलाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपका भी लाइफटाइम टीवी में स्वागत है। विक्रांत चौहान जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, पप्पू कोंडल जी भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग जी पप्पू जी। और आप कहाँ से हैं आप बता सकते हैं कि किस तरह का समय मौसम बना हुआ है, और ये शिमला की तस्वीरें हैं। हालांकि आप जो है बारिश से बचने के लिए लोग जगह यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, और रिज की अगर बात करें तो हल्का हल्का खाली भी है यहाँ पर, और कुछ लोग इस बारिश का आनंद भी यहाँ पर उठा रहे हैं। तो काले बादल छाए हुए हैं आप देख रहे हैं आपकी तस्वीरों में,
तो इस लाइव स्ट्रीम को आप अवश्य शेयर करें ताकि जो दूर दराज के जो लोग हैं यानी कि अन्य राज्यों में जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं वो देख सकते हैं कि जहां पर मैदानी इलाकों में इस समय गर्मी यानी कि कह सकते हैं कि आग से तप रहे हैं, और वहीं राजधानी शिमला की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। तो यानी कि शिमला में बारिश होने का मतलब है कि यहाँ पर थोड़ा जो तापमान में गिरावट यहाँ पर आती है, और साथ ही साथ लोग जो है वो स्वेटर भी पहनने यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, और यही एक खासियत है शिमला की। अगर ज्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ती है, इनकी टेम्परेचर 27-28 के पार होता है तो यहाँ पर बारिश होना संभव है। पप्पू कोंडल जी बड़े चांद से आप हैं, और वहां पर किस तरह का जो मौसम बना हुआ है पप्पू जी आप बता सकते हैं हमें, और क्या वहां पर भी बारिश हो रही है जिस तरह का यहाँ पर अभी हल्की बूंदाबांदी है? हल्की वैसे शिमला में अगर बात करें तो हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है, पर मौसम काफी सुहाना बन चुका है इस समय। ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर अभी चल रही है, हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पर हो रही है। पृथ्वीराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जय हिंद भाई, क्या हाल है आपके? कपिल ठाकुर जी सिरमौर से जुड़े हैं, क्या वहां पर बारिश हो रही है आप बताइए, जरूर बताइए हमें। अभी इसी तरह का मौसम, हालांकि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी पिछले दो दिन पहले दी थी कि भारी मौसम जो खराब होने की बात बताई जा रही थी, तेज आंधी तूफान यहां पर कहने की बात की जा रही थी, क्योंकि ओलावृष्टि की इसमें बात की जा रही थी, क्योंकि ओलावृष्टि अगर बता दें कि इसमें जो बागवान है उनको काफी नुकसान हो सकता है अगर ओलावृष्टि यहां पर होती है, अगर बारिश होती, क्योंकि बारिश से का भी काफी लंबे समय से इंतजार था लोगों को, क्योंकि फसल अगर बात करें पानी की जरूरत रहती है फसल में वो नहीं मिल पा रहा था, और आप देख रहे हैं कि जो बाहर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस मौसम का, खासतौर पर जो शिमला राजधानी का जो है इस मौसम का आनंद यहाँ पर उठा रहे हैं, चाहे वो अपने मोबाइल में यहाँ की तस्वीरें कैद करके ले जा रहे हैं और इस मौसम का खासतौर पर, क्योंकि यही एक वजह रहती है यहाँ का मौसम, यहाँ के साफ सुथरा पहाड़ों की जो खूबसूरती है इसी देखने के लिए जो लोग बाहर से आते हैं, और मैदानी इलाकों में जिस तरह से बारिश गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, और अगर पहाड़ों की अगर बात करें तो आज काफी अच्छा मौसम यहाँ पर शिमला की अगर बात करें, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं तो अच्छा मौसम यहाँ पर बना हुआ है। और कपिल ठाकुर जी कह रहे हैं कि मौसम खराब है, मौसम अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में खराब चल रहा है, और शाम के समय की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने की और तेज हवाएं चलने की भी यहां पर बात की जा रही है, तो असर देखने को मिल रहा है, और अभी जो हल्की जो बूंदाबांदी यहां पर शुरू हो चुकी है। पप्पू कोंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो चंडीगढ़ से जुड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में भी बादल है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मौसम का असर चारों तरफ है, और चंडीगढ़ जहां पर काफी टेम्परेचर रहता है तो वहां पर भी आज बादल है, और हिमाचल में अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में उसका असर देखने को जरूर यहां पर मिलता है, मैदानी इलाकों में भी जो है ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है, ये पहाड़ों का ही असर रहता है, और इस समय पहाड़ों की जो तस्वीरें हैं राजधानी शिमला की अगर आपको बता दें ये तस्वीर है तो काफी अच्छा इस समय मौसम बना हुआ है। तो काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपडेट आप देते रहिए कि आप कहां से हैं। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी लाइव टाइम टीवी में स्वागत है। धर्मेंद्र जी आप कहां से हैं और किस तरह का अभी समय वहां पर मौसम बना हुआ है, आप जानकारी दे सकते हैं?
धर्मेंद्र जी जयपुर से जुड़े हैं, काफी दूर से जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी लाइफ टाइम टीवी में स्वागत है। और जयपुर में किस तरह का मौसम है आप बता सकते हैं? अश्वनी जी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू में भी जो है बारिश यहाँ पर हो रही है, जामा रामगढ़ तहसील के अंदर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। रविंद्र जी कह रहे हैं जो हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, तो मैदानी इलाकों में भी जिस तरह से मौसम हमको जानकारी मिल रही है हमारे साथ, जो हमारे साथ दर्शक है जो हमें देखते हैं तो वो जुड़े हैं और अपनी जो जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। तो जयपुर की भी हमें जानकारी देखिए, इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से हमें जगह जगह की जानकारी हमें मिलती है कि कहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है। समझ गया हूं।